हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने किरचॉफ इक्वेशन बताई थी। आज एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। ये न्यूमेरिकल हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। जिनको लगता है कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा वो वीडियो स्टॉप करके कर लीजिए, बाद में मैच कर लेंगे हर दिन की तरह। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, फॉर्मेशन एंड कंबशन। ये करने के बाद फिर हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास H2O सॉलिड में है, ये करनेगा H2O लिक्विड। तो देखो, इसकी डेफिनेशन कहती है, इसको पहले डिनोट कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट होता है FUF फ्यूजन का। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करते हैं। अब हम लोग जितनी भी बात करेंगे सब स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करेंगे, सब स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करेंगे। उसके जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 bar प्रेशर उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, कोई भी सब्सटेंस जो भी रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या कहता है। इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड मेल्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखो जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देखो ये सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा है। मान लो लिक्विड से गैस का चेंज होगा, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, जब भी फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इंथैल्पी चेंज, एक की मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, बाद में फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कीजिएगा बाकी सब की। इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट इंटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पे कि अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा पहले मैं ये बता देता हूं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करता हूं। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देखो क्या होता है, वेन वन मोल ऑफ लिक्विड, अच्छा मोल की बात कर रहा हूँ, वन मोलर, यहाँ पे मोलर भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वन मोल की बात करते हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं, वेन वन मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इंटू इट्स गैसियस फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखना होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। अब तुम देखो ये होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच वेपर। ठीक है, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको डिनोट करते हैं। तो तुम एक चीज देखो यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो हम लोग इंथैल्पी से पता कर सकते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। देखिए, अगर आयोनिक सॉलिड की बात करते हैं, तो उसकी इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा होती है, तो इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। बट अगर तुम मॉलिकुलर सॉलिड की बात करते हो तो वहाँ पे इंथैल्पी कम आता है हमारा। और अगर हम इसके बात करते हैं, देखो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O है यहाँ पे, तो कुछ एच की वैल्यू आएगी, मान लो एक्स किलो जूल पर मोल आएगा। अच्छा, और एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो हमारा डेल्टा एच आता है वो पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव होगा वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। देखो सॉलिड को जब तुम हीट दोगे बाहर से तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वैसे ही लिक्विड को तुम बाहर से हीट सप्लाई करोगे तब वो गैस में कन्वर्ट होगा, इसलिए डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होता है। एक चीज़ देख रहा, वीडियो बन रहा है कि नहीं, शायद वीडियो रुक गया है, ये वीडियो फ्रेम हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता रहा था कि हम लोग इंटर पार्टिकुलर फोर्स को देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे एसीटोन ले लोगे तुम, अगर H2O की जगह पे एसीटोन ले लोगे तो तुम्हारा डेल्टा एच का वैल्यू कम होगा, क्योंकि एसीटोन में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, आप लोगों को पता होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू से पता कर सकते हैं कि इंटर पार्टिकुलर फोर्स कितनी है हमारी रिएक्टेंट में।
ठीक है, ये बात होती है हमारी खत्म यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसको रिमूव कर रहा हूँ। सब्लिमेशन आप लोग जानते होंगे डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। जैसे आप लोग देखते होंगे नैप्थनील वगैरह जब हम लोग विंटर में क्लोथ रखते, विंटर में जब क्लोथ निकालते हैं या फिर जब ऊपर अपना रखते हैं तो क्या करते हैं वहाँ पे नैप्थनील बॉल्स को डाल देते हैं, तो वही है सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है सॉलिड का गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो तुम देखो सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। तो जैसे हम लोग CO2 सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, जब इसको चेंज करते हैं CO2 गैस में डायरेक्ट, तो ये बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H, सब्लिमेशन का सब और ऊपर में एक डॉट लगाया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। अब तुम देखो CO2 सॉलिड को तुम ड्राई आइस बोलते हो, ये याद रखना, ये यहाँ का टॉपिक नहीं है पर जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सॉलिड आइस CO2 को तुम ड्राई आइस बोलते हो, कई बार पूछ लिया जाता है। तो तुम देखो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन निकालने का एक और तरीका है, या तो तुम डायरेक्ट निकाल लो या फिर एक और फार्मूला आता है डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच डॉट वेपोराइजेशन। ये किसके थ्रू, ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो ये हेस लॉ से आता है। ये इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा आप लोगों से। देखो हेस लॉ क्या कहता है, वेदर द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन मोर देन वन स्टेप द इंथैल्पी चेंज विल बी सेम। ये देखो एक स्टेप पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो इंथैल्पी आएगा सब्लिमेशन का वही इंथैल्पी आएगा इसमें, जब तुम सपोज करो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगे फिर गैस में कन्वर्ट होगे, तो ये स्टेप फॉलो करके जितनी इंथैल्पी आएगी सेम इंथैल्पी इसमें भी आएगी अगर ये पाथ तुम फॉलो करोगे, क्योंकि डेल्टा एच हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, डेल्टा एच हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, स्टेट फंक्शन है, इसलिए वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वेदर यू विल गो थ्रू इन वन स्टेप और इन मोर देन वन स्टेप इट विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, ये हेस लॉ हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, पहले बात कर लेते हैं। देखो तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशन बोले तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की, व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, ये एट बॉइलिंग पॉइंट, और ये सब्लिमेशन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट टेम्परेचर तीनों में ही कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा जब भी फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये पूरी बात खत्म होती है सब्लिमेशन की। हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो रिमूव कर रहा हूँ ये वाला। देखो फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर वन मोल कोई सब्सटेंस फॉर्म करे फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सपोज कीजिए अगर मैं बात करता हूँ सी ग्रेफाइट की बात करता हूँ, ग्रेफाइट का एलोट्रॉप लेंगे कार्बन का, वो भी बताऊँगा क्यों, और ये हमारा इक्वेशन होता है, इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेफाइट क्यों लिए हैं कार्बन का, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में होता है अपने, ये अपने स्टेबल स्टेट में होता है। अगर आप डायमंड ले लीजिएगा यहाँ पे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे वहाँ पे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तभी बोलेंगे व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड, व्हेन इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, और जो एलिमेंट्स होंगे वो स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉन डायमंड ले लोगे यहाँ पे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम नहीं बोलेंगे, एक कंडीशन और यहाँ पे वन मोल की बात कर रहे हैं, वन मोल ही फॉर्म होना चाहिए। तो तुम देखो अगर हम लोग बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें कि अगर तुम सल्फर की बात करते हो तो इसका कौन सा एलोट्रॉप स्टेबल होगा, तो रोम्बिक सल्फर इसका स्टेबल होता है, अगर रोम्बिक सल्फर लोगे तभी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बोला जाएगा। और तुम एक बात और इसमें बताना चाहूँगा,
सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है कि जो भी मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट विल बी टेकन एज जीरो। जैसे मान लो सी ग्रेफाइट का जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी, अच्छा इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ से, ठीक है। तो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ से डिनोट करते हैं तो जीरो होगा। वैसे ही इसका भी जीरो होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो कंसिडर किया जाता है अगर वो अपने स्टेबल स्टेट में है। तो एक रिएक्शन और लिखता हूँ, सपोज कीजिए ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, H2Br2 गिव 2HBr। तो तुम देखो यहाँ पे H2 यहाँ पे गैस में है, Br2 यहाँ पे लिक्विड में है। Br2 लिक्विड स्टेट में अपने स्टेबल स्टेट में होता है। अगर आया जाए Br2 अगर गैस में बोल दिया जाए तो ये इसके स्टेबल स्टेट में नहीं है। Br2 लिक्विड स्टेट में होता है तब उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो कंसिडर किया जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr तो तुम याद रखना यहाँ पे 2 मोल की बात कर रहे हैं, 2 मोल्स की बात हो रही है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर बोले जाएगा यहाँ पे तो डेल्टा एच जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देना, तभी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, हमेशा 1 मोल की बात करते हैं। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है बच्चों को। तो ये बात खत्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन IIT 2010 में पूछा गया था, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, इसको रिमूव करता हूं पहले। उसमें पूछा था कि बाई डेफिनेशन स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका जीरो होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, IIT 2010 में पूछा था ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है IIT 2010 में पूछा था। क्वेश्चन ये था कि बाई डेफिनेशन जीरो मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका होता है। ऑप्शन में था CH4 गैसियस, H2O गैसियस, Cl2 गैसियस और Br2 गैसियस। तो बताओ, आप लोग भी सोचिए, बताइए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका जीरो होता है बाय डेफिनेशन। तो मैंने आपको भी बताया है कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, मतलब स्टेबल स्टेट में होता है तो उसका हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। तो आप देखिए, इसमें देखिए, ये तो कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा CH4, क्योंकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है। ये भी नहीं होगा H2O गैस। अब बात आती है इन दोनों की। तो मैंने आपको अभी बताया है कि Br2 अपने लिक्विड स्टेट में होता है तब वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऑप्शन हमारा टिक करके आइएगा। अगर यहाँ पे आयोडीन की बात करते हैं तो I2 सॉलिड फॉर्म में होता है तब वो अपने स्टेबल स्टेट में होता है। Br2 लिक्विड में होता है, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं उसका सॉलिड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होने लगता है आयोडीन का। तो I2 का सॉलिड स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, Br2 का लिक्विड ज़्यादा स्टेबल है। तो इसकी होगी जीरो मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, भी याद आया तो बता देता हूं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखिए, कंबशन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कंबशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अगर बात करते हो, अगर हम लोग जो भी खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है हमें, वहां पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कंबशन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी से हमारी बॉडी काम करती है, सर्वाइव करते हैं। वैसे इंडस्ट्रीज में अगर बात करते हैं, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पर भी कंबशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्यूल का कंबशन होता है तब इंडस्ट्री चलती है, जैसे फूड से हमारी बॉडी चलती है, फूड से ह्यूमन बींग्स चलते हैं। अगर फूड नहीं होगा तो एक दिन भी इंसान, मतलब एक दिन तो सर्वाइव कर जाएगा बट ज़्यादा दिन तक इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही कंबशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए देखते हैं, अगर बात करते हैं CO2 बनाना है, कार्बन का कंबशन कराना है हमें, तो हम लिख सकते हैं ये रिएक्शन, देखो कार्बन का कंबशन होता है तो ये रिएक्शन हमें मिलता है। सपोज करो तुम मीथेन का कंबशन कराते हो, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O और एनर्जी मिलती है हमें। ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, आप लोगों को पता होगा। इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए, इक्वेशन जब बैलेंस कीजिएगा आप लोग, देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं, बैलेंस हो चुकी है। कंबशन ऑफ मीथेन,
तो मीथेन का जब कंबशन कराते हो तो CO2H2O मिलता है और एनर्जी लिब्रेट होती है। तो तुम देख सकते हो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड, सॉरी इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी सेड दैट इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न इन बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा, पूरा कार्बन कंप्लीटली बर्न होके हमें एक मोल देगा CO2 का, वन मोल का फॉर्मेशन होगा। तो इंथैल्पी चेंज होगा जब तुम्हारा, इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल देते हैं। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का डिकम्पोजिशन होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का कंबशन देखिए किस तरीके से होता है, C6H12O6 गैसेस फॉर्म में प्लस O2 CO2 मिलता है प्लस H2O मिलता है प्लस एनर्जी हमें मिलती है। इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा, फेमस इक्वेशन है बहुत ज़्यादा, इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा। तो देखो ग्लूकोज का हम लोग जब कंबशन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही बता रहा हूँ, कंबशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक टर्म आता है कंबशन रिएक्शन में कैलोरीफिक वैल्यू, नाम सुने होंगे आप लोग भी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब 1 ग्राम सब्सटेंस बर्न, जब आप 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करोगे तो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बर्न, हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बर्न्स, 1 ग्राम सब्सटेंस को जब तुम बर्न करोगे तो कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। सपोज कीजिए जैसे आप वुड की बात करते हो, तो 1 ग्राम जब वुड को बर्न करते हैं तो 17 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब इतना हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग कैरोसिन की बात करते हैं तो कैरोसिन का थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 44 या 43 होता है, याद नहीं है मुझे ठीक से। तो वैसे ही हम लोग बात करते हैं कोल की बात करते हैं तो कोल की ज़्यादा होती होगी, और भी ज़्यादा होती है। तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर आप 1 ग्राम ऊट को बर्न कर रहे हो, 1 ग्राम कोल को बर्न कर रहे हो, तो हमें ज़्यादा हीट किस में मिलेगी, ज़्यादा हीट हमें कोयले में मिलेगी, कोल में मिलेगी। ठीक है, तो वही है कैलोरीफिक वैल्यू से हम लोग देखते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने में, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये पूरा हीट ऑफ कंबशन हमारा ख़त्म होता है, इसको डिनोट किया जाता है ΔHC से। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बेस्ड है इसके ऊपर, वो कर लेते हैं। पहले वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं मुझे देखने दीजिए एक बार, वीडियो फ्रेम हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे बिल्कुल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं फ़ैन नहीं चला सकता क्योंकि वीडियो में बहुत फ़ैन की आवाज़ आने लगती है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ो, तब तक ये हटा देता हूँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, उतना कोई खास नहीं है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। द हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इतना एंड इतना, वैल्यू दी हुई है रेस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल, ठीक है, तो तुम देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल, तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की कि हमें क्या चाहिए। तो तुम इसका फॉर्मेशन कराओ, देखो याद रखना यहाँ पे ग्रेफाइट है, तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेफाइट ही होगा। देखो ये इक्वेशन बनेगी, एक गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन जब बैलेंस करते हैं तो तुम इस तरीके से भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। देखो इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं, पर ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हमें इंथैल्पी पर मोल बोला है और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर मोल की बात करते हैं, इसलिए इक्वेशन तो बैलेंस कीजिएगा पर इस तरीके से मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है तरीका बैलेंस करने का। इक्वेशन पर मोल की बात की है तो कोशिश कीजिएगा इसको हम पर मोल में ही रहने दें, हाफ ओ टू इधर लगा दीजिए। तो देखिए रिएक्शन हो गया, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इक्वेशन हमें चाहिए। गिवन क्या है, गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। गिवन तुम्हारा है कार्बन का कंबशन कराओ, कार्बन का तुम कंबशन कराओ,
तो हमें मिलता है CO2। अच्छा, इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें CO2 बनाना है, कार्बन का कंबशन कराओगे तो CO2 प्रोड्यूस होगा गैसियस फॉर्म में। अगर मैं फिजिकल स्टेट नहीं भी लिखूँ तो आप लोग समझ जाइएगा, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन और गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन कराया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंबशन करा देते हैं हम लोग। कार्बन जब मोनोऑक्साइड का कंबशन करा दीजिएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, CO2 ही बनेगा, हाफ O2 करना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। अब देखिए हमें ये इक्वेशन चाहिए, इन दो इक्वेशन की डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करना है इस दो इक्वेशन को ताकि हमें ये इक्वेशन मिल जाए। आप लोग दिमाग लगाइए और सोचिए कि इस इक्वेशन को क्या मैनिपुलेशन, क्या ऑपरेशन करें, क्या एडिशन, क्या सब्सट्रैक्शन करें, हमें ये इक्वेशन वापस मिल जाएगी। तो आप देखिए अगर आप इक्वेशन इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। देखो इधर माइनस कर देते हैं तो ये इक्वेशन मिलेगी, इससे ये कट जाएगा, कार्बन ग्रेफाइट ऐसे ही उतर जाएगा। देखो O2 से O2 माइनस हाफ O2 मिल जाएगा हमें, और ये जो CO इधर माइनस में है इधर जाके प्लस हो जाएगा। इक्वेशन आप लोग सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो लाइन बाय लाइन करके देख लीजिएगा, ये इक्वेशन हमें मिलेगी। तो देखो क्या करना है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू दी हुई है, मैंने बताया था कि जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं इक्वेशन के साथ वो भी डेल्टा एच के साथ करते हैं। इसकी माइनस 393.5 दी हुई है, इसकी माइनस 283.5 दी हुई है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आंसर आएगा अगर माइनस कीजिएगा आप लोग, माइनस साइन लगा दीजिए क्योंकि बड़े के आगे माइनस साइन है, तो इतना किलो जूल आंसर आएगा हमारा। आंसर पूछा है किलो जूल में, ये सब भी किलो जूल में ही गिवन है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक करके आइएगा, बी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, दिमाग लगा के आगे बढ़िएगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वगैरह बताऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग, अच्छा मैंने कल कुछ एक मानवता पे वीडियो डाला था अपना, मेरे दिल के विचार थे जो मैंने खुद शेयर किए थे खुद लिख के। तो मैं कहूँगा कि देखो नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है, कि स्टूडेंट की लाइफ में नॉलेज बहुत मैटर करता है, बट अगर नॉलेज के साथ अगर कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन को भी अपने लाइफ में करे तो वो आइडियल स्टूडेंट कहलाता है। अगर आप आइडियल स्टूडेंट की डेफिनेशन अगर पूछोगे तो नॉलेज प्लस डिसिप्लिन है। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, अपने लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन को कभी मत खोने दीजिएगा, अपने लाइफ में नॉलेज के साथ डिसिप्लिन को हमेशा साथ लेके चलिएगा, एक दिन आप ज़रूर सक्सेस को अचीव कीजिएगा। तो आज का लेक्चर इस बात से मैं आज का लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा यहाँ, मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में।